दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियन ज्योति ब्लॉग। कैसे हो सब लोग? आशा करते हो लोग बढ़िया हो, मस्त हो गए। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, कितने बज रहे हैं? 6:15 होने जा रहे हैं। ये देखो 6:15 हो चुके हैं और मैंने बनाई है चाय। थोड़ी देर हो गई चाय बने हुए और मैं कर रही हूँ आज ब्रेड पकौड़े की तैयारी बनाने की। और जीनू रोई जा रही है आज। उसको चाहिए क्रीम चॉकलेट वाले बिस्किट और वो है नहीं अभी। अभी हाइड एंड सीक तो ये वो खा नहीं रही है। बहुत बिगड़ गए बच्चे आजकल के ना। हाइड एंड सीक खाती थी पहले, बट अब वो भी नहीं खाने। अब बार्बन वगैरह चाहिए जो कि इसने खत्म कर दिया, जिस स्कूल में रख दिए थे इसके लिए, तो फिनिश हो गए। तो वो दे दिए मैंने हाइड एंड सीक, तो उसको फेंक दिया। अपने आप रोने में लगी पड़ी है, अभी ड्रामे चल रहे हैं इसके। देखो ये मैंने आलू तैयार कर लिए ब्रेड पकौड़े के लिए, और मुझे कढ़ी भी बनानी है तो मैंने मठा भी फेरना है मुझे अभी। और ये रहे ब्रेड, कढ़ी बनानी है तो मैं सोच रही हूँ पहले ना ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ एक एक बजाय सबके लिए, और फिर जो है कढ़ी छोक दूंगी। और हरी चटनी भी रखी है, सबसे अच्छी बात यह है। ये देखो धनिया की चटनी भी रखी है, तो ब्रेड पकौड़े पर अच्छी लगती है ना चटनी लगा के अंदर। तो चलो बनाने की तैयारी करते हैं इसको फटाफट से, फिर कढ़ी वड़ी छोंकेंगे। चाय मैंने अभी पीनी है, चाय मम्मी को दे दिया। मैं सोची हस्बैंड आ जाए फिर साथ में चाय पियेंगे। 6:30 के अराउंड कुछ आ पाएंगे तभी चाय पियेंगे। जब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ, जब तक आते हैं ऑफिस से, तो हम सब लोग एक मतलब खा लें नाश्ते के तौर पर जाएगा इवनिंग में ब्रेकफास्ट। और सर्दियों मन वैसे भी करता है कुछ ना कुछ खाने का ना, गर्म गर्म। चलो बनाते हैं। देखो जीनू बिस्किट खा रही है वही वाले। अब क्या हो गया पुतू, शक्ल दिखाओ। कड़ी बना लूंगी आज, कड़ी बना लो। कड़ी बना लो। टेस्टी है। धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा है। जीनू चीरा फाड़ी कर रही है। कैसे लगे? सही बना? थोड़े और अच्छे हो गए। तारीफ मत करना कभी, तो बने बनाए मिल रहे हैं तुम्हें सर्दियों में। जीनू को भाई मिर्ची लग गई है, जीनू के लिए सेकेंगे बटर वाला सिंपल। रोई आया नगर दिखाया तुमने बहुत। पूतू है पूतू। तो यार यहाँ जीनू के लिए सेकना पड़ा फिर सिंपल ब्रेड, क्योंकि ऐसा लगता है ना बच्चों का पेट जब तक ना भरे ना तब तक माँ को चैन ही नहीं आता है। और जीनू का पेट भर जाता ना तो मैं थोड़ी निश्चिंत हो जाती कि हाँ चलो उसका पेट भर गया जैसे तैसे, क्योंकि बच्चे हर चीज़ नहीं खाते हैं। उसको मिर्च वगैरह लग जाती है तो फिर वो छोड़ देती है, तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए प्लेन ब्रेड कर दिया। और उसके ऊपर ना बटर लगा के रख दो, उसको दे दो बटर लगा के, तो वो बड़े मन से खा लेती है। और इधर चाय रखी थी तो चाय हस्बैंड को देनी है और मैं भी अपनी चाय छान लूँगी। चलो भाई चाय पी ली हमने भी और फिर पकौड़ा भी खा लिया है। अब नंबर लगाते हैं पकौड़ी सेकने का कढ़ी के लिए। ओहो ना उड़े दंग मचा के रखती है लड़की, कोई लड़की मेरे घर में बहुत शैतान है वो।
और यार दही वगैरह मैंने फेरा एंड पकौड़ी के लिए धनिया वगैरह सब कुछ इसमें डाल लिया, अजवाइन। और अब कढ़ी के लिए पकौड़ी बना लेते हैं, उसके बाद फिर कढ़ी छौंक दी मैंने, उसी में चावल बनाए, रोटी बनाई। मेरी हाथ की कढ़ी ना इनको बहुत अच्छी लगती है, मेरे हाथ की क्या मतलब, शुरू से वैसे मैंने ही बनाई है कढ़ी, तो अच्छी लगती है, सब लोग मन से खा लेते हैं हमारे घर में। और यहाँ पे देखो ये ना फ़ोन चला रहे थे कम्बल के अंदर, तो छुपा के, तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को, मैंने कहा छुपा क्यों रहो, फ़ोन ही चलाते रहते हैं मोस्टली, और करे भी क्या, मैं काम में लगी रहती तो ये बोर होते हैं, मैं होती हूँ पास में तो फ़ोन नहीं चलाते हैं, बट हाँ जब मैं काम में लगी होती तो बोर होते हैं तो फ़ोन ही देखते रहते हैं। और अभी मैं यार कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, खाने के बाद एक्स्ट्रा काम भी बहुत हो जाते हैं ना, कपड़े रखे होते तो मैं रात में फोल्ड वगैरह करके रखती हूँ, सुबह के लिए कपड़े निकालती हूँ क्या पहनने हैं, सुबह के नाश्ते की तैयारी करनी होती है, खाने की तैयारी करनी होती है, तो ये काम जो एक्स्ट्रा में हो जाते हैं मेरे, तो वो करती हूँ मैं। हे मेरी प्यारी फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनिया ज्योति व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यार बढ़िया होगे, एकदम मजे में होगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। फिलहाल जो है आज बनाने जा रही हूँ मैं गाजर का हलवा, गाजर कद्दूकस कर ली थी कल, और मेरा फेवरेट हस्बैंड ने मम्मी ने मिलकर कद्दूकस कर लिया ये, और मैंने बनाया है खोया, हाँ जीनू का फेवरेट है, मैंने बना लिया खोया, और बस हाँ, और अब हलवा बनने की तैयारी हो रही है, हलवा बनने जा रहा है, सीजन का पहला हलवा बनने जा रहा है, तो किस किस को पसंद है कमेंट करके बताओ, मैं उनके यहाँ भिजवा देती हूँ, डिलीवर करवा दूंगी, एड्रेस भेज देना अपना है ना जीनू। चलो, और मैं यहाँ पर रेडी हुई थी, रील्स बना रही थी, तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो, एंड यस यार मेरे इस चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लो, अगर आप लोग नए देख रहे हो, नए व्यूअर हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड यस हाँ, और ये लाइक भी कर देना, नीचे लाइक का बटन है तो लाइक भी कर दिया करो, जीनू कर रही थी बातें, उसका मुंह बंद नहीं रहता है, हम दोनों माँ बेटी ऐसी गप्पे से लड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलती रहती है वो, और पूरे टॉयज देखो पूरे घर में फैला के रखते हैं, जब छुट्टी होती है ना इसकी पूरे घर में फैला के रखती है ये। और इधर जाना मैंने देसी घी में पहले ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिए थे, एंड देन उसी में मैंने गाजर डाल दी थी, और अब जो इसका पानी जब पूरी तरह सूख जाएगा इसमें मावा मिला दूंगी मैं, जो कि घर पर बनाया था मैंने, और चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे तो मैंने इसमें चीनी ऐड करी, और देन इसके बाद इलायची पाउडर जो कि अभी मैं डालूंगी, थोड़ा देर में डालती हूँ क्योंकि पहले इलायची डाल दो ना तो उसका सारा टेस्ट उड़ जाता है, तो थोड़ा सा अब रुक के अब मैं इसमें इलायची डाल दूंगी और मावा और ड्राई फ्रूट, तो हलवा जो है बन के हो जाएगा तैयार। थोड़ा सा टाइम लगता है गाजर के हलवे में, बट जब बनता है ना तो यह बहुत टेस्टी लगता है, मतलब फेवरेट ही है मेरा, तो फेवरेट ही है गाजर का हलवा, और बनने में टाइम लगता है बस इसे बनाने में, और पापा काफ़ी सारी गाजर ले आए थे तो खूब सारा बन गया था, तो आराम से चल गया था ये 4-5 दिन, तो आराम से चल गया था। भाई हलवा बन के हो गया रेडी, ये निकाल दिया कान्हा जी के लिए, और ये रहा जीनू का, इसको ढाक देते भी, जीनू आवाज कम करो बेटा 2 मिनट, और मेरे फोन की बैटरी हो गई है डाउन, इसको लाती हूँ मैं चार्जिंग पे रील भी बनाती गई, और मेरा हलवा भी बन गया, आइए आप लोग भी खा लीजिए आके, एंड खा के बताओ कैसा है, केंद्र कौन है भैया, जल्दी उठो, केंद्र कौन है, ए ये तोती किसकी है, ये तोती किसकी है, कौन है कौन है कौन है कौन है, देखो 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 देखो, ए ये तो मेरा पुतू है, नौ दिन निकल ले बेटा, तीजू ला रहा हूँ, पहले इतना कहो फिर और ले आऊंगा, ठीक है, ये आपके गिरा हुआ है, जीनू को ना पहले तो अच्छा नहीं लगा था, बट धीरे धीरे जब टेस्ट बना ना तो फिर उसने खाना स्टार्ट कर दिया, फिर अच्छा लगने लग गया, तो ऐसे उसे ना जबरदस्ती पहले कुछ खिलाना पड़ता है प्यार से, फिर बच्चों का ऐसा ना टेस्ट बन जाता है मुंह में, फिर तो अपने आप ही खाते रहते हैं, तो उसको खिलाया मैंने, और देन मुझे ना साड़ी वगैरह भी चेंज करनी है अब, और फ़ोन की बैटरी भी लो गई थी तो फ़ोन भी लगाया था बीच में चार्जिंग में, उनका ब्लॉग बना ही लूँ और उसके बाद ही फिर साड़ी वगैरह चेंज करूँ, इतने कपड़े रखे थे क्योंकि कपड़े चेंज कर करके रील बनाती हूँ ना मैं, तो फिर कपड़े भी काफ़ी फैल जाते हैं, तो वो सारे कपड़े जो है फोल्ड वगैरह करके रखे मैंने,
तो यार थोड़ा सा फोन चार्ज हो गया है, थक गए। हलवे में ना टाइम लगता है, गाजर के हलवे में। तो मैंने बॉईल तो सुबह ही कर ली थी, बालने के बाद फिर काम हम निपटाया। उसके बाद जीनू को स्कूल से लेके आई हूँ, और जीनू की अब है छुट्टी, हॉलीडेज हैं मंडे तक, सैटरडे संडे मंडे, तीन दिन के उसके हॉलीडेज हैं, तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। बट यह है कि जब इन लोगों की छुट्टी होती है ना, तब काम लेट होता है, सारा काम लेट ही लेट होता है। हस्बैंड की तो खैर नहीं, इनको सैटरडे भी जाना है, इनका काम बहुत आ रहा है भाई, तो इनको तो जाना ही है, इनकी छुट्टी नहीं, जीनू की ही रहेगा। और यार मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई, जीनू ने ना मेरे लिए बर्थडे कार्ड बनाया था, मतलब बर्थडे से एक दिन पहले रात में, और अपने आप ही कलाकारी कर रही थी, मैं खाना बना रही थी, तो अपने आप ही उसकी जो समझ में आया ना वो उसने बनाती गई वो, फिर उसने ला के मुझे दिखाया, मम्मा मैंने आपके लिए बनाया। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसकी फ़ोटो रख ली है खींच के, कि हमेशा के लिए ना यादगार हो जाएगा कि जिन्होंने पहला कार्ड बनाया 4 ईयर में, और बिना कुछ बोले किसी के ना कुछ, अपने आप ही मतलब उसको दिमाग में आ रही होगी, अपने आप बनाने लग गई। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने सामने लगा दिया बोर्ड पे, ये ना ये बनाया उसने मम्मा, और यहाँ पे अपने आप ही पता नहीं क्या HHPP हैप्पी बर्थडे लिख रही होगी, तो उसने ये स्पेलिंग लिखी है, और ये सब कुछ लाइक होता है ना, बच्चों को बोलना पड़ता है बेटा बर्थडे है तो बना लो, मम्मा को देना गिफ्ट में, ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला था उससे, अपने आप ही उसके दिमाग में आया तो करने लग गई है, तो अच्छा लगता है। बड़ी हो रही धीरे धीरे, समझदार भी हो रही है। थोड़ी देर लेट लेती हूँ मैं, 4 बज गए, अब चाय का टाइम हो जाएगा। एक मन कर रहा है चाय बनाई लूँ, उसके बाद ही फिर आराम से लेटूँ, एक मन कर रहा थोड़ी देर लेट लूँ, कमर थक गई है मेरी, बैक में ना बहुत पेन हो जाता है, मतलब कंटिन्यू ऐसा नहीं मैं कंटिन्यू खड़ी रहूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, वरना मेरी बैंड बज जाती है। तो थोड़ा सा सोच लूँ रेस्ट ले लूँ, फिर उसके बाद चाय बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और लो जी ये आ गया बथुआ, आजकल बस यही सब है, मेथी बथुआ पालक बस यही सब चल रहा है। तो ये मैं बना नहीं रही हूँ, खाना तो मैंने तैयार कर लिया सब कुछ, दाल रोटी वगैरह, ये मैं ना सुबह की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी काम मेरा मतलब मैंने खाना की तैयारी कर दी, रोटी अभी सेकनी नहीं है, पापा जी आएंगे तभी रोटी सेकती हूँ गर्म गर्म, और बर्तन सारे धुल के रख दिए हैं शाम वाले, और बस यहाँ पे मैं सोच रही हूँ जब तक ना ये जो बथुआ है इसको बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि यार बथुआ मेरा टाइम लगता है, सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता सुबह को कि इतना सब कुछ कर सकूँ, क्योंकि बेटी स्कूल जाती है सबसे पहले, उसको खाना भी तैयार करना पड़ता है उसके लिए, और जीनू को खुद तैयार भी करना पड़ता है नहला के, वो सबसे बड़ा काम तो है बच्चों को सर्दियों में उठाना और उन्हें नहलाना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, बच्चों का मन नहीं करता ना उठने का, बड़ों बड़ों का नहीं करता, तो बच्चे ही हैं, तो इसलिए उप सुबह को ना टाइम ही नहीं मिलता यार, इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है ना कि कब 7:30 हो गए पता ही नहीं चलता है, तो क्योंकि उसे तैयार भी मुझे ही करना है और खाना भी उसके लिए मुझे ही तैयार करना है, तो इसलिए फिर मैं रात में ही थोड़ी तैयारी करके रख देती हूँ। तो बथुआ वगैरह मैंने उबलने के लिए रख दिया, उसी के साथ में मैंने आलू भी रख दिए हैं, तो टमाटर आलू की सब्ज़ी जो है सुबह को बन जाएगी। बथुआ उबलता है तो मैं मोस्टली ऐसा होता है कि टमाटर आलू की सब्ज़ी ही बनाती हूँ, एक तो बथुए के पराठे से ना अच्छी लगती है थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी, और फिर उसी के साथ में आलू बॉयल भी हो जाते हैं, तो वो रख दिया मैंने। उसके बाद दूध वगैरह बॉयल करने रखा और सारी तैयारी करी, सैलड वगैरह काटा, एंड चलिए ब्लॉग का एंड भी करते हैं यहीं पे, आपसे मिलते हो कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को बाय।